मैं हूँ, ये हम हैं, और यहाँ हम वापस जा रहे हैं। हे गाइस गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग आ जा रहा है, उसके लिए तो अब मैं क्या ही बोलूँ। थोड़ा टाइम की कमी है और थोड़ा और चीज़ भी हो सकता है, वो काफ़ी लंबा है, बाद में बताऊँगी। हेलो सभी को, और आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। ये एक महीने बाद ब्लॉग है, इसके लिए भी सो सॉरी। आज मेरे को लगता है पूरा ब्लॉग मेरा ऐसे ही जाएगा। वैसे छोड़ो, ये सब छोड़ो। अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि आज हमारा जो ब्लॉग है वो बन किस पर है। दरअसल 12 साल बाद जो महाकुंभ होता है वो हरिद्वार में होता है, तो आज क्या है कि हम कॉलेज का विजिट जा रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल विजिट जा रहा है, तो आई एम सो एक्साइटेड, सो मच एक्साइटेड कि हम वहाँ जा रहे हैं। इससे पहले एक बार 11 तारीख को प्लान बना था, वो कैंसिल हो गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न। ठीक है, अब वापस से बना है, तो आई एम सो एक्साइटेड। और आज मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी, और दिनों 8 बजे उठती थी, और कल स्लिप डे था, कल भी मैं सो नहीं पाई, मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। बट आज हम जा रहे हैं घूमने, तो दिखाते हैं आपको महाकुंभ की जो अरेंजमेंट है, जो वहाँ का मैं आज तक नहीं गई हूँ। और वहाँ कहते हैं कि सनातन धर्म, यू नो, हिंदू धर्म के जो लोग होते हैं उनको तो वहाँ जाना ही होता है एक बार, वो लाइफ में कभी भी जाएँ। तो आज हमें ये पुण्य का काम मिला हुआ है, हम भी जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे कि वहाँ क्या है और कैसे सब वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइस बने रहिए आगे ब्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। Hold me close till I get up, time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll finally a pure 2 hours. 2.5 hours के बाद हम पहुंचे यहाँ, कितना थक गए, तौकीर के तो हाल बेहाल हो रहे थे। अखाड़े लगभग उन सभी जने अपनी सक्रिय मेहनत पुरुषार्थ और योगदान देते हैं, उसको मेला सफल। महाराज जी, जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है नागाओं की संख्याओं के हिसाब से, तो आप क्या मानते हैं कि अखाड़ा बड़ा होने से जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है कुंभ के प्रति? ऐसा है कि जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी हो, आप जैसे 2 घर चलता है वाद विवाद, तो 2 घर में हम देखते हैं जहाँ पत्नी पत्नी होती दो ही रहे, सारे कुटुंब को छोड़ के चले आ, मैं चाचा ताऊ पूरे गांव को छोड़ के आ जाए, जिले को छोड़ के आ जाए, राज्य को छोड़ के आ जाए, अगर उनमें भी कई बार हमने विवादों की चरम सीमा देखा। फाइनली हम लोगों ने आधा थोड़ा बहुत एक अखाड़े में जाके बाबा से बात की है, अभी तक काफ़ी अच्छा रहा है, देखते हैं आगे कैसा रहता है। होप आगे भी अच्छा रहे, होप आगे भी अच्छा रहे। सर कैसा रहा अभी तक का? अच्छा रहा है, आगे भी उम्मीद करते हैं अच्छा रहेगा, आगे भी अच्छा ही होना चाहिए। अब हो चुका है हमारा लंच,
और हमने कहा सर हमने कहाँ किया था लंच, जूना अखाड़ा में किया था सर, आज आपको कैसे लगा? आध्यात्मिक है। अब रिया बताइए कैसा लगा रिया? अरे बहुत अच्छा लगा, ये भैया ने बहुत स्पेशल तरीके से खाना खाया तो उनको लगता है कि मैंने इनको देखा पर मेरे को समझ नहीं खा सकता। एक होता है खाना खा के बहुत अच्छा फील करना, यू नो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा जब सुबह से भूखे रहते हैं, ऐसा नहीं घर से सर के घर से खाना आया था हमने, ऑब्वियसली हमने खाया था दबा के, यू नो दबा के हमने आज घर का खाना खाया है तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अली तेरे को कैसी फीलिंग आ रही है आज तुमने घर का खाना खाया? सर सर के भी घर से खाना आया था, मम्मी भी आज आ रही है तो या देसी घी के साथ आज हमने रोटियां खाई है। मेरे को तो लिटरली रोटियां मेरे को रोटियां काफ़ी सही लगी क्योंकि घर जैसी फीलिंग आती है। मेरी चाची सेम ऐसी रोटी बनाती है और फिर घी लगा के खाओ तो माय गॉड आई कांट एक्सप्लेन यू नो कितना अच्छा लगा मुझे आज। ये है जूना अखाड़ा, ये है जूना अखाड़ा, ये हमारे फोटोग्राफर से लगे हुए हैं काम पे और ये हमारी टीम है, ये हमारे ड्राइवर भैया हैं जो फुल मौज ले रहे हैं, असली मजा यही कर रहे हैं। बिल्कुल मजा आ रहा है घूमने में हरिद्वार में पहली बार। या पहली बार भैया, पहली बार आप लोगों के साथ आया। अच्छा हमारे साथ तो आप भैया चिल्ली करोगे, ये भी सही है। इसके हाथ में जो ये दिख रहा है ना ये गिम्बल सा ये ऐसा लग रहा है, पता नहीं किसको थूनने के लिए आया हो, किसको थूनने के लिए आया तू बता बताना कह सकते हैं ऐसा। कुंभ मेला सामान्यतः संतों और सन्यासियों का मेला है जिसमें आज हम कई सारे सन्यासियों से मिले। हमने यहाँ कई दिव्य आत्माएं देखी जिसमें से शामिल हैं एक ही बाबा जिन्होंने पिछले 30 साल से अपने हाथ को हवा में उठाए रख उसका बलिदान दे दिया है। ये जो बाबा जी है थोड़े से काफ़ी सारे मॉडल लग रहे हैं, मॉडल बाबा जी को कह रही है, मैं अपने मन से बना रही हूँ, डोंट माइंड यू नो। जब सारा काम हो जाता है ना और एट लास्ट हमें अच्छी सी फीलिंग आ जाती तो ये है कि हाँ टेंट का सारा काम हो गया और वो आराम से सुस्ता रहे हैं बैठ के, तो ये भी थोड़ा सा डॉक्यूमेंट में काफ़ी अच्छा है क्योंकि इतना सारा बड़ा कुंभ को ऑर्गेनाइज करना और लास्ट में इतना वो होना सो टिपिकल यू नो। यानी 2 घंटे हो गए हैं, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। अब बात हो रही है यहाँ पहला खाना अभी अभी खा रखा है, सर बोलते दोबारा भूख लगेगी तो फिर बताना भाई पेट ना भूख कड़े की सर जान अभी कह सकते हैं, सब कह सकते हैं। ये तोरण द्वार का एक ले लीजिए, ये है तोरण द्वार जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हुई थी, जहाँ से हमने वीडियो क्लिप नहीं कर। कहने के लिए हम आए हैं महाकुंभ में पर लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ भीड़ बिल्कुल भी नहीं, कुंभ वाली फील बिल्कुल नहीं है, कुंभ वाली फील बिल्कुल नहीं है क्योंकि हम ऐसे दिन में आए हैं जब अभी कुछ भी नहीं है तो इसलिए अभी सब कुछ नहीं है। नहीं जा सकते यहाँ, हम अंदर नहीं जा सकते हैं। ये है श्री पंच आवाहन अखाड़ा है जो अभी हम गए थे जुम्मा अखाड़ा में और अब ये है आवाहन अखाड़ा, तो ये भी ठीक ही है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है आज, आपको भी मिलेगा, कैरी ऑन बने रहिए ब्लॉग में। इसमें होने वाले सनातन धर्म के अनूठे संगम हरिद्वार के महाकुंभ में देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की ओर से आप सबका स्वागत है और आज हम अपने प्रैक्टिकल एक्सप्लोजर के लिए महाकुंभ में आए हैं, तो मैं अब आपको अपने सहपाठियों के थ्रू से बताऊंगी कि उनको कैसा लगा यहाँ का एक्सप्लोजर उन्हें देखना जा रहा। आपका नाम? आपको ये आप महाकुंभ में पहली बार आए हैं तो आपको ये कैसा लगा? मेरा दूसरा सवाल आपसे, आपका नाम? मेरा नाम सुमित यादव है।
सुमित के हाथ में हम कैमरा देख रहे हैं, तो सुमित फोटोग्राफी काफ़ी अच्छी करते होंगे कैमरे के हिसाब से दिख रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी सुमित ने अपने कैमरे के एक्सपोजर से क्या देखा होगा। जैसे आपने बोला कमी तो किसी भी चीज़ की पूरी हम नहीं कर सकते, पर जो मैंने अपने आंखों से देखा और जो मैंने अपने कैमरे से देखा वो मैं लोगों को दुनिया तक मतलब पहुंचाना चाहता हूं, तो जो मैंने आज तस्वीरें ली हैं वो मैं आगे लोगों तक पहुंचाऊंगा। बेसिकली नागाओं को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, अननोन फ्रीडम फाइटर नागाओं को, जिन्होंने मुगलों से बहुत टक्कर लिए, बहुत युद्ध लड़े हैं, ना कोई राज्य हथियारने के लिए ना किसी के लिए, लेकिन हिंदुत्व की रक्षा पर बहुत पूजा ही नहीं शुरू की। ये इनकी बात हो रही है जो सर अभी बता रहे थे, ये जो भाला है तो मतलब ये तलवारों के सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ये जितने भी टेंट वगैरह लगे हुए हैं ये सब जो दिख रहे हैं ये अस्थाई है, स्थाई है मतलब ये कुछ दिनों में हट जाएंगे या क्या होगा? कि हरिद्वार कुंभ में जब भी किसी भी कुंभ में जब अखाड़े आते हैं तो उनको जो रहने के लिए जो जगह दी जाती है उसको छावनी बोलते हैं। अच्छा। जैसे पहले जमाने में युद्ध लड़ने के लिए छावनियाँ बनाई जाती थी, तो ऐसे ही नागा अखाड़े आकर वहाँ पर छावनी में रहते हैं, ये टेम्परेरी है। अच्छा टेम्परेरी है। अच्छा टेम्परेरी क्या है? धर्म धारयति धर्म है, जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। आप देख रहे हैं हमारे सामने कई शिविर यहाँ लगे हुए हैं और उस शिविर में वातानुकूलित व्यवस्था दे सकते हैं। जिस तरह से दौर बदल रहा है, संदर्भ बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, उस तरह से बाबाओं के रहने के रहन सहन, देखिए जो दिखता है उसका वर्णन करते हैं बाबा। काफ़ी सारे एक्सप्लोजर के बाद हम यहाँ पे बैठने हैं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम दो तीन उसमें पहले में आके हो गए हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठने में आए हैं। दरअसल हम रोहन को यहीं छोड़ने की सोच रहे हैं, रोहन को यहीं छोड़ने की सोच रहे हैं हम दरअसल। उसके बाद हम श्री दक्षेश्वर मंदिर गए थे जहाँ माता सती की नाभि गिरी हुई थी। ये शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है और यही महादेव जी का ससुराल भी है। पहले हमारे कंफर्म नहीं था कि हम गंगा आरती में रुकेंगे, कि हम गंगा आरती में रुकेंगे या नहीं, पर अब कंफर्म हो गया तो फीलिंग ऑसम ऑसम। ये हो गया इनका सैनिटाइजर हो गया, जिस हिसाब से शरद सर सैनिटाइजिंग कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं कोरोना को सबसे ज्यादा दूर शरद सर ही भगा रहे हैं। क्यों सर? अब हमारी बारी आ गई है प्रस्थान करने की शिव जी के ससुराल से। गिरो रोहन को अपने ससुराल, रोहन को अपने ससुराल की पड़ी है। सर क्या कहना है आपका भद्राज चलने के बारे में?
बहुत नेक विचार है और हमारा विभाग अगर ट्रैकिंग करता हुआ माउंट एवरेस्ट पर भी जाए तो हमें ज्यादा खुशी होगी। झंडा जरूर, और हम चाहते हैं भद्राज क्या जाओगे, वहाँ से सिर्फ माउंट एवरेस्ट का रास्ता निकलता हो तो वहाँ भी जाओ सर। वहाँ से तो क्या माउंट एवरेस्ट चलना है, बिल्कुल जाएंगे जाएंगे जाएंगे। अब हम यहाँ से कहीं जाएंगे जहाँ सर हमें लेके जाएंगे। हमारी पार्किंग हो चुकी है, इसकी तो फोटोग्राफी कंप्लीट नहीं होती है। ओए आजा, अब निकल रहे हैं हर की पौड़ी को। हमें थोड़ा ट्रैवल असली ट्रैवल तो लग रहा है रोहन, जो प्रॉपर यू नो वो कैमरा वैमरा के साथ यूनिफॉर्म के साथ और उसके साथ, ये भी ठीक है, ऐसा ऐसा भी होना चाहिए। बीइंग एन एंकर यू नो दिस, या बीइंग अ एंकर, बीइंग एन एंकर यू नो दिस लॉट ऑफ इट। यस, ये बात भी है। सो एक्साइटेड कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा, इतनी भीड़ हमने आज देखी नहीं है, क्या ही कह सकते हैं ज़्यादा। बस कुछ नहीं कुछ नहीं, बस 200-300 भीड़ होंगे वहाँ पे, देखते हैं अब आगे क्या होता है। ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा हमारा, मेरा अच्छा हाँ पता नहीं मेरा, लेकिन नहीं मेरा सेकंड टाइम। एक तो मोनोपोड लेके आया हुआ है, पता नहीं क्या ही लग रहा है, और अब चश्मा लगा लिया। अब तो मैंने मोदी को साइन पे बिगाड़ के मुझे कोई पहचाने का नहीं ना द्वार में, मुझे सोते हुए भी ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ उसका। मतलब सर को हमारे सैनिटाइजर पर बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं था, वहाँ से सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, ये भी क्या बात हुई। जब सरकारी व्यवस्था है तो अपनी खर्चा की, ये भी सही है, पता नहीं किसके कारण। बट आज कोरोना हमसे बहुत ज्यादा डरने वाला है, क्योंकि हमारे पास ही है ये। इतने पुलिस वाले पूजा वगैरह मार ले रहे हैं तो खुशबू तुम्हारा ले लो नहीं मुझे मतलब क्या मतलब सैनिटाइजर कोई कर रहा है तो सर बोलते कहते खुशबू ले लो वापस से, सर वापस से लिया आपने खुशबू, ये भी कोई बात नहीं। ये है मार्च 2021, मैं हूँ यहाँ पावन नगरी महाकुंभ हरिद्वार में, इस प्लेनेट की सबसे बड़ी विशाल ह्यूमन गैदरिंग में एक गवाह बनने के लिए। यह फेस्टिवल हिंदू रिलीजियस का है जो हर साल 12 साल में आता है, जब सूर्य चंद्र और बृहस्पति एक खास एस्ट्रोलॉजिकल अलाइंसमेंट में होंगे और लोग यहाँ बड़ी संख्या में नहाने के लिए आएंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पूजा भट्ट और अभी मैं तकरीबन काफी लोगों के बीच में हूँ, मैंने ऐसा रस कभी नहीं देखा। स्टार एक्सप्लोरिंग हरिद्वारी, हरिद्वार का महाकुंभ एंड और ये कुछ जानिए पहले से। कुंभ हो या महाकुंभ, इसकी कल्पना करना असंभव है अगर इसे आंखों द्वारा देखा व स्मरण ना किया गया हो। ऐसे दृश्य जो आपने कभी ना देखे व ऐसी दिव्य आत्माएं जिनके आपने कभी दर्शन किए ही ना हो, भावनाओं का ऐसा सागर जिसके आप कभी साक्षी ना बने हो, आध्यात्मिक जगह जिनमें आप कभी जन्मत ना हुए हो। बस चले नहीं हर जगह जाएं सर, ये क्या बात हुई मतलब सर, मतलब सारा सैनिटाइजर यूज करना चाह रहे हो आप जितना सैनिटाइजर एक जगह सैनिटाइज कर रहे हैं अपने आप को बहुत अच्छे से, तो वो है शरद सर। सारी भी अच्छे करेंगे लोग बाद में याद करेंगे। फाइनली हम पहुंच चुके हैं हर की पौड़ी पे, और मैं तुम्हें दिखाती हूँ कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत भीड़ हो रही है, मतलब हो ही रही है नॉर्मली, लग रहा है कि हम कुंभ में पहुंच चुके हैं। ये हो गए इनका लाभ ही हो गया प्रॉपर यू नो सैनिटाइजिंग एंड लग रहा है कुंभ है। फाइनली आज बहुत खुश हूँ, वैसे इतनी भीड़ नहीं है आज बिकॉज ऑफ कोरोना आई थिंक। Back.
अब हम यहाँ पे आए चाय पान ग्रहण करने के लिए, उसके बाद करते हैं आगे को और ज्यादा एक्सप्लोर हरिद्वार को। लस्सी पी वैसे टेस्टी हुई थी काफी ज्यादा। अब चलते हैं वापस से एक्सप्लोर करने हरिद्वार को। यह अत्यंत प्रेरणादायी है। यह कुंभ मेला सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि लोग यहाँ नदी पर आते हैं और स्नान करके चले जाते हैं, बल्कि हर जगह कुछ ना कुछ चल रहा है। इतनी विविधता और गहन ऊर्जा को देखना सबसे ज्यादा रोचक है। इस महाकुंभ में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, गंगा से लेकर कावेरी तक, हिमालय से लेकर सहयात्री तक, ज्ञान ध्यान व समा की धाराएं समाहित हैं। जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ का व्यू कितना प्यारा है। इधर से होगी भाई आरती यहाँ पे। अब हम आरती होगी तो आरती करने के बाद जाएंगे वापस कॉलेज। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जितने भी मीडिया वगैरह के परमिशन के होते हुए हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़े थे, लेकिन हम लोग थोड़ा बहुत चढ़ गए थे और अब हम आ गए हैं वहाँ से जो हमारे कैमराज थे वगैरह लगा चुके हैं वहाँ पे।
फाइनली इट्स पैकअप टाइम। मैंने क्या? अरे एक कैन खरीद लो। अब पैकअप टाइम हो गया हमारा। सर आज का अनुभव कैसा रहा वो तो बता दो। मैं कैन खरीद ले रहा हूं। ये हमारे एचओडी सर हैं। आइए सर, श्योर। सर आज का अनुभव कैसा रहा? आज का अनुभव बहुत अच्छा रहा। एक विभाग के मुखिया के नाते मेरे लिए इससे अच्छे गर्व का पल, गर्व का दिन नहीं हो सकता। ये हमारे पुण्यों का सुकृत है कि हम अपने शिष्यों को लेकर आज इस महाकुंभ में जो एक एक मनुष्यता का, मानवता का एक महासंगम है, उसमें हम अपने बच्चों को लेकर आए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि विभाग हमारा फल फूल रहा है। आने वाले समय में हमने विभाग के लिए और हम सभी ने मिलकर एक सार्थक प्रयास किया है, उसी की कड़ी के श्रृंखला के रूप में ये है। और सबका सहयोग अपेक्षित है, और खासकर पूजा के लिए जिसका नाम बार बार मैं भूल जाता हूँ और उसका नाम मैं दिव्या रेफर करता हूँ, उसके लिए आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि मुझे उसका नाम पूरा याद रहेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सबसे बड़ा योगदान जो VIP ट्रीटमेंट आज डिपार्टमेंट को मिला है, उसमें हमारे श्री महावीर नेगी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए पूर्ण हृदय से आभार। धन्यवाद। आपने आपका आभार कि आप हरिद्वार आए, हरिद्वार को आपने कृतार्थ किया। और रजत आगे बढ़ते रहे। और रजत सर का भी बहुत मेन पार्ट है। सर आप दो शब्द तो बोल दो, आप आज का दिन कैसा रहा आपका? बहुत ही अविस्मरणीय मेरे लिए, मतलब ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। हरिद्वार में बहुत बार आया हूँ, पर इस तरीके का जो विहंगम दृश्य था, अनोखा दृश्य मैं पहली बार जीवन में देखा। तो पहली बार हर की पैड़ी में आके मुझे इतना सुखद अनुभव मिला। ओके, थैंक यू सर। अब तुम लोग बताओ गाइस, गाइस कैसा रहा बताओ ना आज का? गाइस कैसा रहा? बहुत बिजी थे। रिया तो जाने को तैयार नहीं, रिया कह रहे हैं रात रिया यहीं रहेगी। मुझे बिस्तर यहीं पे लगा दो। हेलो, ब्लॉग की एंडिंग हो रही है अभी। वेलकम नी, वेलकम नी, क्या बोलते हो? टाटा बाय बाय का टाइम अब आ गया, हमारा टाटा बाय बाय करने का टाइम। हर की पौड़ी को छोड़ के जाने का टाइम आ चुका है। अब जाने का टाइम आ गया। कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। ना मौका मिलेगा तो हम भी आएंगे। जाने का मन नहीं मेरा, तो पहले से था कि दो दिन का होना चाहिए कम से कम। पर कोई नहीं, कोई नहीं, इतना भी बहुत है। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. अभी HOD सर ने एक अच्छी वाली अनाउंसमेंट की है, कहते कि फोटो खींच के बताना कि हम रूम पे पहुंच गए। सर आइडिया काफी, इतना बुरा भी नहीं है। मैं हूँ, ये हम हैं, और हम तो जा रहे हैं। एक और बोतल पीछे डालनी थी और थोड़ा लेट आता। सर एक बार बता तो दीजिए क्या करना है पहुंच के। सर क्या कहा आपने? पहुंचता रहे, ग्रुप में मैसेज डालता रहे। ओके सर, दरवाजा खोल। मैं शाम तक भटकूं तुझे।